इंग्लैंड में स्थित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से भारतीय टीम की कई अनोखी और ऐतिहासिक यादें हैं। आपको बता दें कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद बालकनी में भारतीय टीम की वो यादें जुड़ी हुई हैं जिससे याद को हमेशा क्रिकेट फैंस याद करते हैं। साल 1983 हो या फिर साल 2002, टीम इंडिया को वो बालकनी हमेशा याद रहती है। दरअसल आपको बता दें कि साल 1983 में भारतीय टीम ने कपिल देव की कप्तानी में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला। लॉर्ड्स के मैदान पर ये मुकाबला खेला गया और यहीं पर टीम इंडिया ने इतिहास रचा था। इसके अलावा साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेट वेस्ट ट्रॉफी खेली गई थी। इस दौरान भी टीम इंडिया ने फाइनल जीता था और सौरव गांगुली जो कि तब के कप्तान थे उनके द्वारा वो टी शर्ट निकाल करके हवा में लहराने वाला मूवमेंट भी सभी को याद है। ये यादगार पल आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों में है और जब जब इनकी बातें होती हैं, जब जब लॉर्ड्स का जिक्र होता है, तब फैंस इन यादों को याद करते हैं। लेकिन एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में इस याद को ताज़ा कर दिया गया है। दरअसल पूरी बात की अगर आपको जानकारी दें तो उस वक्त नवरात्रि का माहौल है, देशभर में दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। जगह जगह हर तरीके से तरह तरह की थीम्स पर दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है, उनके पंडाल सजाए गए हैं। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल और कलकत्ता जो कि दुर्गा पूजा के लिए हमेशा से ही फेमस रहा है, वहाँ पर भी लॉर्ड्स के मैदान की थीम पर ही दुर्गा पूजा का पंडाल तैयार किया गया है। अलग अलग थीम पर दुर्गा पूजा के पंडाल बनाए गए हैं, लेकिन कोलकाता में इस वक्त इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का जो पंडाल बना है वो सभी के लिए आकर्षण हो चुका है। मंगलवार को BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली इसका उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान की थीम पर बनाए गए इस पंडाल को सौरव गांगुली ने देखा, साथ ही माता के दर्शन किए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने वहां तिरंगा भी लहराया। मंगलवार शाम गरिया के मिताली संघ समुदाय के दुर्गा पूजा पंडाल में सौरव गांगुली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लॉर्ड्स की थीम पर तैयार की गई बालकनी में पहुँच करके तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद तिरंगे को वहाँ लहराया। इसके बाद आपको बता दें कि उनका स्वागत किया गया और इसके बाद ही सौरव गांगुली ने वहाँ मौजूद तमाम चीज़ों को देखा, साथ ही माता के दर्शन किए। साल 2002 में भारतीय टीम ने नेटवेस्ट ट्रॉफी जीती थी और लोगों को जब सौरव गांगुली ने तिरंगा लहराया तो वही याद दोबारा से आ गई। साल 2002 में नेटवेस्ट ट्रॉफी खेली गई थी जहाँ फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराया था। लॉर्ड्स का वह मैदान था, साथ ही टीम इंडिया के लिए युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने शानदार पारी खेली थी। इसके अलावा भारतीय टीम के लिए विनिंग शॉट जहीर खान ने लगाया था, जिसके बाद तुरंत बालकनी में मौजूद कप्तान सौरव गांगुली ने अपने भारतीय जर्सी नीली टी शर्ट को निकालकर हवा में लहराना शुरू कर दिया था, जो कि आज भी एक मोमेंट माना जाता है। इसके अलावा एक बार फिर कोलकाता में इसी याद को ताज़ा करने के लिए इसी की थीम पर दुर्गा पूजा का पंडाल बनाया गया है। क्या कुछ आपकी राय है इस शानदार पंडाल को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।